अगली कॉलर है रचना जी, स्वागत है आपका। रचना जी, हेलो, हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। मैम। मुझे ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। उनको ना नसों का दर्द है पैरों में। कब से है दर्द उनको तो जी बहुत सालों से हो रहा है, 3-4 सालों से। और उम्र उम्र कितनी है उनकी? उनकी हो गई होगी 30-35 साल। हाँ देखो रचना बेटा, आप अपनी मम्मी का बहुत ख्याल करते हो ऐसा लगता है, और बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और ये दर्द हर किसी को होता है। मेरी बात सब लोग बहुत गौर से सुनिए कि ये नसों का दर्द एक उम्र में जाके हर किसी को होता है। शुरुआत कमर से होती है, कमर में नसें दब जाती हैं, डिस्क में जो हमारी टांगों की तरफ नसें जा रही हैं उनको दबा लेती है डिस्क, और अक्सर डॉक्टर इसका ऑपरेशन तक कर डालते हैं, लेकिन इसका इलाज है। इलाज है और एहतियात है। एहतियात ये है कि झाड़ू पोछा ना करें, वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, ये एहतियात है। इस एहतियात से भी लोग ठीक हो जाते हैं। और एक आता है गोंद, सियाह काला गोंद, ये एक रॉ मटेरियल है जो नकली भी मिल जाता है, असली लेना है। गोंद सियाह ले लीजिए, ऐसे 100 ग्राम के करीब, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, और ये आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को खाना होता है। आधा ग्राम समझ लीजिए 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम। ये एक रॉ मटेरियल कच्ची दवा है। गोंद है, एक काले रंग का होता है इसलिए इसे सिया कहते हैं, लेकिन कुछ बेईमान लोग नकली बहुत बेच रहे हैं, उससे एहतियात करना। और इसके कैप्सूल भी आते हैं, बने बनाए कैप्सूल भी आते हैं, तो अगर कैप्सूल लेते हैं तो एक सुबह एक शाम खाएं। खाने के बाद दूध से खाना बेहतर है, 1 कप दूध से खाना बेहतर है, तो 2 बार खिलाएं और आपकी मम्मी बिल्कुल अच्छी होना मुमकिन है। हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम रोहतक से बात कर रहे हैं जी। जी सवाल कर लीजिए। मेरे 4-5 महीने पहले जी अटैक हो गया था। अटैक आ गया था? हाँ हाँ। मेरे लिए कोई सही दवाई चल रही है? दवाई चल रही है? हाँ मेरे लिए कोई सही दवाई है, और आपकी एच के एफ 2 बार पी चुका हूँ मैं। ठीक है। और अब नमक जैतून है मेरे पास आपका। ठीक है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपके मतलब ये एच के एफ साल में कितनी पी है, कितने दिन के बाद पी है? ठीक। बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, और आपकी उम्र और हमारी उम्र, ये उम्र बहुत एहतियात की है, अपना ख्याल रखने वाली उम्र है, और जितना अपना ख्याल रखेंगे इतनी सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी और रोग मुक्त ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जैसे आपको सब रोग होते हैं, ऐसे मुझे भी होते हैं, बस फ़र्क ये है कि आम तौर पर लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते, और मैं और आप अपना ख्याल खूब रखते हैं। तो एच केयर तो हर साल 3-4 महीने ज़रूर पिया करें। एच केयर सिरप जो आप का ये है, इसको 3-4 महीने हर साल पिया करें। आप चाहें तो हमेशा भी पी सकते हैं, ये अटैक नहीं आने देता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता, जो दिल की रगों में चर्बी जम जाती है और जिसकी वजह से खून पूरी तरह पास नहीं होता और हार्ट ब्लॉकेज होकर आदमी को अटैक आ जाता है, ये उसको नहीं आने देता। तो ये दुनिया की बेहतरीन दवा हो सकती है, और नमक जैतून आप ज़रूर खाया करें,
और कम से कम एक दो बार दिन में, और खूब अपना ख्याल रखें, खूब अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अपने घर के जिम्मेदार हैं और आपके घर वालों को भी आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शायस्ता। जी बताएं, सवाल करें। मेरे हस्बैंड बात करेंगे हकीम जी से, हकीम सुलेमान साहब से बात करना चाहते। हाँ जी, हाँ जी, करवाइए। आप करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। सुन रहे हैं हकीम साहब जी। जी इरशाद, सलाम अलैकुम। हाँ सलाम। वाले सलाम। मैं शायस्ता का हस्बैंड शायद बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी जी, आप हकीकत में मुझे तकलीफ है और मुझे आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो दाहिने कंधे की जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो बाहर आ गई थी, बाहर से मीन्स मतलब स्किन के अंदर ही थी, वो जॉइंट से हट गई थी और उसके बाद से उसमें बराबर तकलीफ बनी हुई है। और अभी जाड़ों में भी तकलीफ बढ़ गई थी, 2 साल की बात है, ये जाड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन अभी जाड़े खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो एकदम शिद्दत से गर्मी आ गई, और इसके बाद से फिर इस हाथ में तकलीफ और बढ़ गई। मुझे लग रहा था गर्मी में तकलीफ कम होगी और उसमें तकलीफ बढ़ गई। हमने ऑपरेशन नहीं कराया था इसका। ये हड्डी की बात कर रहे हैं आप, इस वाली हड्डी की? ये दाहिने हाथ में जो कंधे के ऊपर की हड्डी होती है, ये वाली? जी, ये हड्डी जो मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, ऊपर की हड्डी जो है एकदम टॉप पे होती है, जो ठीक है कंधे पे। वो हाँ, वो ऊपर और ऊपर वाली। जी ये नहीं, सामने कॉलर बोन नहीं, ऊपर टॉप पे जो है जो गर्दन से आई हुई है। जी जी, कंधे पे। अच्छा, और ऊपर। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। अच्छा देखिए, ऐसा अगर आप कर सकते हैं करके देखिएगा, ऐसे सीधा बैठकर हल्के हल्के कान ऐसे अपने मोंढे से लगाने की कोशिश करें, अगर आप कर पाते हैं तो। ये दिन में 3 मिनट एक्सरसाइज है, चाहे तो एक एक मिनट करके 3 बार में कर लें। इस एक्सरसाइज से हमारी हड्डियां और नसें अपनी जगह पर आ जाती हैं। ये एक फिजियोथेरेपी है जो बहुत कारगर है, ठीक है। और दर्द के लिए एक आता है गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, गोंद मतलब गम। एक गोंद है जो काले रंग का होता है और इंतहाई कड़वा होता है, इसे गोंद स्याह कहते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इसे नकली भी बेच रहे हैं, आप असली खरीदें, या इसके कैप्सूल भी दस्तयाब हैं, तो वो एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाएं और गौंसिया लें तो 2-2 चुटकी। ये एक रॉ मटेरियल है गौंसिया, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी खाने के बाद। तो ये जो गोंद है ये दर्द निवारक है, यानी दर्द अगर आपकी कमर में है या हड्डी में है या नसों में है या डिस्क में है या पिंडलियों में है, कहीं भी दर्द है, आप ये गौंसिया या गौंसिया के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। रणवीर जी से बात करते हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, रणवीर जी बताएं, सवाल करिए। मैडम ऐसा है, मैं सुबह सुबह 3-4 बार लेटरिन करता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो ये डेली हो रहा है आपके साथ? हाँ जी, डेली हो रहा है जी। अच्छा ठीक है जी। तो देखिए, बेल पत्थर अभी चली है, मैं अभी गांव से आया हूँ तो कई बेल पत्थर खा के आया हूँ। तो बेल पत्थर या पत्थर बेल कोई कहता है, जिसका शरबत मार्केट में लोग बेचते हैं, और इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। खोपड़ी नुमा एक मजबूत सा फल, इसे फोड़ कर खाया जाता है, उसमें हलवा सा निकलता है। ये एक आधा किलो की बेल रोज़ाना आप खाएं और अभी एक आध महीने तक आपको मिलती रहेगी। कर जिनको नहीं मिलती है वो बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल का मुरब्बा।
और इसको खाने के बाद पानी खूब पिए, ये पेट के लिए अमृत है, इसे इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। नेक्स्ट कॉलर है नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार किम साहब। जय हिंद नवनीत जी, स्वागत है आपका। ठीक है, कैसे हैं सर? सर दो तीन सवाल है मेरे। बता। जी पहला सवाल है सर, जो पानी है, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? ठीक है सर। ठीक जी। और दूसरा सर, हेलो जी, जी हम सुन रहे हैं जी। दूसरा सर, खड़े होके पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए? ठीक है जी। वाह। और तीसरा सर, बीपी क्यों होता है और इसका इलाज क्या है बीपी का? ये ठीक है। जी देखिए, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना जरूर चाहिए एक शख्स को, और बैठ के पीना खड़े होने से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बीपी जो है एक उम्र में सबको ये बीमारी हुआ चाहती है। देखिए 40, 45, 50 साल के बाद कुदरती तौर पर हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, मरीज़ हो, आम आदमी हो, ख़ास आदमी हो। ख़ास लोगों को तो और ज़्यादा बीपी होता है। तो जब ये खून गाढ़ा होने लगता है तो दिल को एक गाढ़ी चीज़ फेंकने में दुश्वारी होती है, जिससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है। तो 40, 45, 50 साल के बाद आपको जब भी बीपी की ये परेशानी हो तो खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं। खून पतला करने के लिए हर पैथी में दवाएं भरी पड़ी हैं। यूनानी एक कुदरती इलाज है जो हम खाते हैं, जो मसाले खाते हैं किचन में मसाले, उन्हीं से इलाज करता है। तो लहसुन, अदरक और ज़ीरे में ये तासीर है कि ये आपका खून ज़रूरत के मुताबिक पतला रखे। तो अपने खानों में इतनी लहसुन, इतना सारा, हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना सा लहसुन, दो पली महंगा हो गया है, अदरक भी इतनी सी डालती हैं, इतनी अदरक, इतना लहसुन और खूब सारा ज़ीरा डाला करें, इससे भी हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। एक और नुस्खा है, अदरक, लहसुन और नींबू का रस निकाल लें तकरीबन 1-1 लीटर, और जैतून का असली सिरका, जैतून का सिरका नकली ज़्यादातर मिलता है, जैतून का सिरका असली 1 लीटर उसमें डालकर ये शरबत कहो या जूस कहो, इसे 3-3 चम्मच 3 बार पीना पड़ता है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज तक को खोलने की ताकत रखता है। ये अटैक नहीं आने देता, इन उम्र में अटैक आते हैं, और दुनिया में 60 की उम्र सिर्फ 7% लोग क्रॉस कर पाते हैं, 60 की उम्र सिर्फ 7% लोग क्रॉस कर पाते हैं, और उनमें बेशतर लोगों का हार्ट अटैक से देहांत होता है। तो अगर ये नुस्खा लिया जाए तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।